गीतिका मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर, मेरे पास ऐसे काफी स्टॉक्स थे, पर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्लीन करके सिर्फ मेरा पहला आईपीओ निकला था अडानी मिलमर का। अब करेंटली मेरे पास उसके 365 शेयर्स हैं एज एन एवरेज ऑफ 469 अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की हॉर्स हो गया है, डायनेमिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। और अभी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ी है। दूसरा मेरे पास टाटा स्टील है, वो है 200 मैं एज पहले एन एवरेज अदानी ऑफ विल्मा, 200 अदानी पर शेयर। विल्मा ये आईपीओ के समय लगा था, उसके बाद आपने और एवरेज भी करा, ऐसा क्या और खरीदा? मैंने एवरेज नहीं किया, मुझे शेयर में कोई विश्वास था तो मैंने इसमें और एड ऑन किया है, क्योंकि मेरी 235 पर शेयर थी, 235 पर शेयर। उसके तो मैं जितना, बाद थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, आप कह रहे हो आईपीओ में लगा था उसके बाद और एड ऑन करा, 320 शेयर्स हैं अभी इस समय अदानी के एंड एट अ कॉस्ट ऑफ 469 रुपीज, 125 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है भाई। राजेश सर क्या करना है? एक तो ठीक है, अपने वैसे लिस्टिंग हिस्ट्री के लास्ट ईयर तो लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग हिस्ट्री के जो लोस थे ये उन्हीं के आसपास आके खड़ा हुआ है आज भी। वैसे ज्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स को छोड़ दूं जिसपे अपडेट आया था, सारे स्टॉक्स आज फिर दबाव को फिर अदानी एंटरप्राइजेस लीड कर रहा है एज वी स्पीक। प्रेशर बढ़ रहा है, 8% 9% के आसपास अदानी एंटरप्राइजेस दबाव में। भाई राजेश सर क्या करें, अदानी विल्मर बढ़िया आईपीओ रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से 230 वाला आईपीओ ऑलमोस्ट 125 तक का भाव मुझे दिखाया था, उसके बाद लगातार करेक्ट। खैर ग्रुप कंपनीज पे ओवरहैंग तगड़ा है, क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? मेरी खरीद से अब 125 रुपए नीचे है, अभी निकल जाना है या होल्ड करके बैठना है? अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी होगी, सरदर्द हटेगा तो वापस चलेगी, इस उम्मीद में रहूं। और घर पे आप वेजिटेबल ऑयल से पकाना पसंद करते हो या घी से? देखिए, पहली बात तो अपनी कंपनी की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। इस तिमाही में रेवेन्यू 7% जंप के साथ आए थे, बॉटम लाइन में 16% की बढ़त थी, वॉल्यूम 4% के साथ बढ़ के बंद हुआ था। सारे पायदान पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ई कॉमर्स में, मॉडर्न ट्रेड में, ई बी टू बी में, सब में ग्रोथ दिखी जा रही है। वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद ठीक ठाक हो गए हैं, करीब 60 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एफएमसीजी कंपनीज के लिए मैं कहूँगा अच्छे वैल्यूएशन है। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले महीने जब से वो रिपोर्ट आई है तब से पूरे ग्रुप दिक्कत में है, और ये कहा नहीं जा सकता कि ये दिक्कत कहाँ तक कंटिन्यू होके चलने वाली है। ये बात सही है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, जब ये डस्ट सेटल हो जाएगी तो उसके बाद उछाल देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलेगा ही, क्योंकि पता नहीं कि ये दिक्कत कहाँ तक चलने वाली है। तो बेहतर स्थिति तो ये होगी कि एक बार निकल जाएं और दोबारा से जब डस्ट सेटल हो जाए और दिखने लगे कि हाँ सारी चिंताएं दूर हो गई है तो एक दोबारा कॉल ले लें, बट इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये और भी दबाव में रहने वाला है। अच्छा ये नहीं बताया आपने, प्रिफर्ड मीडियम ऑफ कुकिंग? दोनों चलता है सर हमारे यहाँ, माने डिपेंड्स ऑन क्या बन रहा क्या बन रहा है, राइट, और घर की औरतों का क्या मूड है।